भारतीय वायुसेना IAF रूस के साथ एक बड़ी डील करने जा रहा है। भारतीय सुरक्षा सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि PMO की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद IAF को रूस का सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट मिल सकता है। ये जेट TU-160 है और इसे सफ़ेद हंस भी कहा जाता है। ये जेट दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर जेट है और इसे हासिल करने का मतलब वायुसेना की ताकत को दोगुना बढ़ाना है। बॉम्बर वो एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के इलाके में चुपचाप बम ड्रॉप करके वापस आ जाता है। इसके शामिल होने से बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक करने में आसानी हो सकेगी। ये बॉम्बर जेट 40,026 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 2,220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बार में ये जेट 12,300 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इस जेट को 960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जा सकता है। 178 फीट लंबे इस जेट का विंग स्पिन 183 फीट है और इसकी ऊंचाई 43 फीट है। एयरक्राफ्ट का वजन 1.10 लाख किलोग्राम है। टेक ऑफ करते समय इसका वजन 2.75 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इस बॉम्बर जेट को 4 वायु सैनिकों का क्रू उड़ाता है, एक पायलट, एक को पायलट, एक बॉम्बार्डियर और एक डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर के साथ ये जेट टेक ऑफ करता है। युद्ध के समय इसके कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर होती है, जिसे सबसोनिक गति से बढ़ाकर 7300 किलोमीटर किया जा सकता है। यह अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है।